हेलो एवरीवन, रूबेन हियर फ्रॉम एक्यूनिटी सर्विसेज। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कैसे अपने वीडियोस को आप यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो को लॉगिन करना है आपका अकाउंट, एंड उसके बाद यहाँ पर आपकी जो राइट हैंड साइड पर ऑप्शन है क्रिएट, वहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अपलोड वीडियोस में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड वीडियोस में क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आएगा एंड उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइल्स में क्लिक करके आपको जो अपना वीडियो सेलेक्ट करना है, जो आपको अपलोड करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी सेलेक्ट करने जा रहा हूँ सेलेक्ट फाइल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पर एक खुला है, तो उसके सपोज मुझे ये डालना है। फिलहाल मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एग्जाम्पल के लिए ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं ओपन में क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर ओपन में क्लिक करूंगा तो ये जो वीडियो है वो अपने आप अपलोड हो जाएगा एंड अपलोड होके वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो इसको कैंसिल करना है एंड उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये सारे जो वीडियोज है वो अपलोड हुए हुए वीडियोज है, ये जो कि ड्राफ्ट में सेव हुए है, ये जो वीडियोज है, ये जो ड्राफ्ट में सेव हुए वीडियोस है। तो इनमें से कोई भी एक वीडियो मैं चूज करता हूँ, उसमें क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन है टाइटल, तो टाइटल में आपको अपना वीडियो का टाइटल डालना है, जो आपके वीडियो का कंटेंट है उससे रिलेटेड आपको अपना टाइटल डालना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपके जो वीडियो है उसका जो डिस्क्राइब करना है, आपको जो कंटेंट है उसको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस का जो लिंक्स है वो भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको थंबनेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो तीन थंबनेल है वो YouTube ने सेलेक्ट करके दिया है और यहाँ पर जो है फर्स्ट वाले में यहाँ पे आपको कस्टमाइज थंबनेल है वो आप पर अपलोड कर सकते हैं। उसके नीचे जाओगे तो आपको और भी ऑप्शन दिखेगा, एडवांस ऑप्शन जो कि है कीवर्ड्स वगैरह, वो आपको अपने कीवर्ड्स आपका वीडियो के हिसाब से आपको टाइप करके पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में भी आप जो ये वीडियो को आप कोई भी प्लेलिस्ट में आप सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो को मैं यहाँ पर ये प्लेलिस्ट में सेव कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं इसे डन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप एंड स्क्रीन में भी क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं ये एंड स्क्रीन में ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो है वो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। एलिमेंट में क्लिक करके यहाँ पर वीडियो में यहाँ पर प्लेलिस्ट में क्लिक करके मैं ये जो वीडियो है उसको ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ओके, उसके बाद मैं इसे यहाँ पर सेव कर दूंगा। तो जो एंड स्क्रीन में क्या होता है कि वीडियो के एंड में एक सजेशन आएगा व्यूअर को कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या देख सकते हैं। ओके, तो अभी इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी अब तो मैंने यहाँ पर शेड्यूल्ड किया है, शेड्यूल यानी कि आप एक पर्टिकुलर डेट और टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हो ताकि ये फ्यूचर में अपने आप पोस्ट हो जाए, या फिर आप सेट एज प्रीमियर में भी रख सकते हो, या फिर अगर आपको इंस्टेंटली पब्लिक करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप पब्लिक में भी क्लिक करके डन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर शेड्यूल कर रहा हूँ, सो यस That's it, यहाँ पर मैं शेड्यूल कर रहा हूँ। तो that's it, इस तरीके से आप अपना YouTube वीडियो को आप पोस्ट कर सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो आपके YouTube चैनल पर। थैंक यू एवरीवन यहाँ तक देखने के लिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी हम नया वीडियो डालें। थैंक यू।